पूछा है कि इसमें आज़म किसको कहते हैं। इसमें आज़म उस अल्लाह के नाम को कहते हैं कि अगर कोई बंदा वो नाम ले और फिर कोई भी दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अब वो नाम क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो मुबारक नाम क्या है जो जिसको इसमें आज़म कहा जाता है, तो जमहूर उलमा के नज़दीक अल्लाह ही है, इसमें आज़म अल्लाह ही है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने पूछा कि हज़रत इसमें आज़म किसको कहते हैं। हज़रत ने जवाब दिया कि जब कोई बंदा अल्लाह का नाम इस कैफियत के साथ कहे कि उसके दिल में सिवाय अल्लाह की जलालत के, अल्लाह की शहनशाहियत के, उलूहियत कामिला के, वहदत और फर्दत के कोई और चीज़ ना हो, बस ऐसी कैफियत में अल्लाह का नाम जो लेगा तो उस वक्त उस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो इस कैफियत के साथ अल्लाह का नाम लेना, इसी को जो है कि मुहद्दिसीन ने, सूफिया ने, उलमा ने जो है कि इसमें आज़म कहा है। जी